प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम सुनील मिश्रा है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। पेशा वकील। जी सर। जी सर। जी। तो मेरा ये तीसरा शिविर है, पहला राय वाला, फिर तीसरी बार आ रहे हैं। जी जी, तीसरा। ठीक है, अब आप अनुभव या अनुभूति सुनाएं। अनुभव मेरा ये है कि वराय वाला से भी यही अनुभव था, जैसे ही आपने शक्तिपात किया तो उसके बाद बॉडी पूरा गर्म, जैसे फीवर आ गया है हल्का हल्का। जी। और मूलाधार में इस बार थोड़ा थोड़ा स्पंदन हो रहा है, और ये मतलब अनुभूति है। अनुभव में एक बार आया कि एक बहुत बड़ा सा हाथी दिखा है, और उसके बाद मतलब थोड़े टाइम ध्यान के बाद एक शिवलिंग दिखा है, और अभी जो सबसे लास्ट में जो अनुभव आया उसमें एक कमल ऐसे खिला हुआ ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा दिखा है, लेकिन उसका कलर लाल ना हो कि थोड़ा मटमैला है। कमल में कितनी पंखुड़ियाँ थी? नहीं, पंखुड़ी स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि वो कलर मटमैला दिख रहा है, तो इसका मैं समझ नहीं पाया क्या क्या मतलब है। हाथी का रंग काला था। जी। क्या नहीं समझ पाया, क्या चीज़ समझना चाहते हैं? मतलब ये जो लोटस कमल दिखा वो रेड कलर में होना चाहिए। होना चाहिए, आपकी शुद्धता की कमी है। ठीक है, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे शुद्धता जब बढ़ेगी, वो जैसा वो कमल होता है जैसे रंग का, बहुत हल्के लाल रंग का, वो दिखना शुरू हो जाएगा एकदम से, बढ़िया चमकता हुआ आकर्षक दिव्यता को प्राप्त किए हुए। जी धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है, मैं नोएडा से आया हूँ। जी गुरुजी, शिविर के दूसरे दिन जब सुबह में हम ध्यान कर रहे थे तो मेरी गर्दन पीठ से चिपक गई थी और मेरे कंधे इस तरीके से हो गए थे, और मैं लगभग पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि अचानक मेरे कंधे सीधे हो गए और गर्दन भी सीधी हो गई, और मेरे हृदय चक्र से और लघु मस्तिष्क तक एक पतली हल्की सी जैसे पारा चढ़ता है इस तरीके से लाइन गई सीधी। अच्छा। और उसके बाद प्राणवायु मेरी गर्दन से मेरे मस्तिष्क में इतनी तेज़ गति से भरी, लगभग मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि 2 मिनट तक वो प्राणवायु भरे जा रही है, और उसके बाद वो प्राणवायु मेरे आज्ञा चक्र पर आ गई, और मेरा ध्यान इतना गहरा लगा कि जब आपने ध्यान तोड़ने के लिए बोला तो मैं आँख खोलना चाह रहा हूँ लेकिन आँख खुल नहीं रही है, फिर जब मेरी आँख खुली तो सब यहाँ से जा चुके थे। और अब मेरी कुंडलिनी, जब मैं खाना खाने जाता हूँ, बैठा हूँ या सो रहा हूँ, अपना आप ही उठ रही है, और यहाँ से गर्दन से लघु मस्तिष्क तक गर्म हो रहा है और दर्द हो रहा है। कुंडलनी कहाँ तक जा रही थी? अब यहाँ तक जा रही है, थोड़ा इससे गर्दन से थोड़ा ऊपर, कंठचक्र से ऊपर। कितने दिनों से साधना कर रहे हैं? साधना तो मैं गुरुजी 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा तीसरा शिविर है आपके सानिध्य में, तो मैं 3 शिविर से जा रहा हूँ। एक दिन में कितनी साधना करते हैं? मैं 2.5 से 3 घंटे। आपको कंठ से ऊपर कुंडलनी की गर्माहट लगती होगी, कंठ तक हो सकता है कि कुंडलनी आए, लेकिन कंठ से ऊपर नहीं जा रही होगी अभी। कंठ से मुझे नहीं लगता कि आपका कंठचक्र खुला होगा, लेकिन नीचे से जो होती है, इधर से नाड़ियाँ होती हैं, अगर कुंडलनी उग्र है तो ये नाड़ियाँ ऊपर तक चली गई, वो गर्माहट ऊपर भी अनुभूति होती है। हो सकता है जी, लेकिन प्राणवायु क्लियर ऊपर चलेगी, अब वो नीचे रुकती नहीं है। पैरों से जब मैं ध्यान करता हूँ तो एकदम झटके से पूरा प्राण ऊपर आ जाता है। किसी को मार्गदर्शक बनाया? आप ही को बनाया।
क्या काम करते हैं आप? मैं दुकान चलाता हूँ अपनी। किस तरह की दुकान है, मतलब बताना चाहते? बता दो, मैं प्रश्न इस तरह के नहीं करता, चलो छोड़ो। मतलब कहने का मार्गदर्शक भी नहीं चुना। कैसे? और कुंडलिनी मेरी उठ गई थी सर, गुरुजी वृंदावन के शिविर में। मैंने शक्तिपात किया था, सामूहिक किया था, मैंने आपको अनुभव भी लिखा था, लेकिन फेसबुक पे आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, वो मैं जब मैंने कुंडलिनी उठाई थी तो हाथ कहाँ रखा था? नहीं, सर पे। तो मुझे ऐसा याद नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग में देखे, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग में देखे। मैंने रिकॉर्डिंग में बोला था, उस वक्त भी वृंदावन शिविर में समय था कम, मेरा नंबर बहुत लास्ट में आया था, आपने बोला बिल्कुल संक्षिप्त में बताओ, वो रिकॉर्डिंग में है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप बता रहे, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं, बहुत से साधक मिलते हैं, मैं तो भूल भी जाता हूँ, तो अच्छी बात है। जैसा आप बता रहे, अगर ऐसी अवस्था है तो अच्छे साधकों में आपकी गिनती है। प्रणाम। प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.